हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप बहुत अच्छे से समझिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग छोटी संख्या की बात करेंगे तो हम लोग जीरो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब भी हम लोग बड़ी संख्या के देखेंगे तो हम लोग नाइन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, दो अंक हैं। ठीक है, तो छोटी पता करनी है, छोटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो देखेंगे। ठीक है, जीरो मैंने लिख दिया। अब दो अंक करने हैं, दो अंक के लिए हम लोग एक जीरो तो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि एक जीरो तो हो गया, एक और जीरो नहीं बढ़ा सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, वन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जबकि हम लोग छोटी संख्या जब भी आ जाए तो समझ लेना एक के बाद जीरो लगेगा ही, एक के बाद क्या है, जीरो लगेगा ही। और सबसे बड़ी संख्या देख ली जाए तो वो नाइन होती है, तो दो बार हम लोग नाइन लिख देंगे। अगर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या दस, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या नाइन। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक पेच आता है, वो कन्फ्यूज़न है, वो किस तरीके का है, वो ये है। जैसे मान लीजिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। ठीक है, ये लेकिन प्लस में है, किस में है, प्लस में है। मान लो मैंने यहाँ पर माइनस के 10 लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर माइनस के 99 लिख दिया। अब बताइए इन दोनों में या इन दोनों में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है 99। ठीक है, फिर उससे छोटी ये होती है। ठीक है दोस्तों, प्लस के 10, लेकिन ये छोटी है। यहाँ पे जब भी हम लोग माइनस वाले यूनिवर्स में आएंगे, ठीक है, यहाँ क्या है, प्लस वाले यूनिवर्स में जो दिखता है वैसा होता है। ठीक है, छोटा है तो 10 है, बड़ा है तो 99 से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस वाले में कि जो दिख रहा है, ये जो छोटा दिख रहा है इससे यही बड़ा है। ठीक है दोस्तों, माइनस के 10 इससे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी ये, और फिर उससे छोटी ये, और सबसे छोटी ये। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी दो अंकों की ये हो गई। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये संख्या छोटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस लगा है। ठीक है, बस यही आप पूरा ध्यान रखिए, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये, वो भी प्लस प्लस में। माइनस के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या ये और सबसे छोटी संख्या ये। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।